होता क्या है कि जब हम इंडोर्स में पेशेंट को लेके आते हैं या उनकी एक्टिव एडिक्शन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम जो हैं अपनी केयर करना छोड़ देते हैं, अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं और रातों को जागना शुरू हो जाते हैं देर देर तक कि हमारा बच्चा कब वापस आएगा, खाना पीना छोड़ देते हैं उनके पीछे। अक्सर हस्बैंड ये कह रहे होते हैं जो एक्टिव एडिक्शन में होते हैं, अपनी बीवियों को भी कह रहे होते हैं कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा तुमने नहीं खाना खाना। जुर्म तो नहीं है, देखें बीमारी की वजह से ऐसा आ रहा है तो इसको हम जुर्म तो नहीं कहेंगे। वो मान रहे हैं कि वो करते थे ऐसे? मान रहे हैं वो। शुजीत साहब की इनसाइट अच्छी आ रही है, मान रहे हैं। ठीक, तो कोडिपेंडेंसी जैसे आप बात कर रहे हैं जोहर साहब, ये कोडिपेंडेंसी ही है। जितने भी हम इस तरह के एक्शंस लेते हैं ना, ये सारे आउट ऑफ कोडिपेंडेंसी आते हैं कि हम जो हैं हम रोगी हो गए हैं अपने पेशेंट पे, यानी कि पेशेंट जो है डिपेंडेंट होता है ड्रग पे और फैमिली हमारे पे डिपेंडेंट हो जाती है, हमारे सारे बिहेवियर्स उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक, जितने भी हमारे बिहेवियर्स हैं नेगेटिव उनको अफेक्ट करेंगे। हम ऐसे फील कर रहे होते हैं कि बच्चों के जितने भी रवैये हैं या उनके जितने भी इमोशंस हैं, जिस चीज़ से भी वो गुजर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं उसके। हमारी कहीं परवरिश में कमी रह गई, हमने उनको सही से पाला नहीं, इस तरह कुछ नहीं किया, तो उस वजह से फिर हम अपनी केयर करना छोड़ देते हैं। चार डोमेन्स हैं जिसमें अपनी केयर करनी होती है। सबसे पहले फिज़िकल सेल्फ केयर। फिज़िकल सेल्फ केयर में क्या क्या आता है जल्दी जल्दी बताएँ। हाइजीन, वॉक, हेल्दी डाइट और क्लीन रहना, सेल्फ ग्रूमिंग। सबसे तीन चार मेन चीज़ें क्या है फिजिकल सेल्फ केयर की? सही टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे उठना। 10-12 प्रॉब्लम्स पाल ली होंगी फिजिकल, तो 10-12 फिजिकल प्रॉब्लम्स हमने पाल ली हैं तो हम जाके काम कैसे करेंगे? सुबह हमसे उठा ही नहीं जा रहा, रात को हमने नींद पूरी नहीं की, सुबह जाके हम बात कैसे करें लोगों से, डील कैसे करेंगे? तो मैं टाइम पे उठ जाऊँगा, ये खुद से भी होता है। नींद आती है, ठीक है आती है, मेडिसिन से आती है, लेकिन अगर आप लोग टाइम पे खाएंगे तो सुबह टाइम पे ही उठेंगे। अब अगर मेडिसिन लेट खा रहे हैं तो फिर सुबह लेट ही उठेंगे ना। जब बोरियत हो रही होती है, कुछ और करने को नहीं होता, तो खाने को ही दिल करता है। पूरी रात जब जागते हैं, अक्सर होता है ना ऐसे, जब हम रात को लेट नाइट तक मूवी कोई देख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो भूख लगती है, इवन दो हमने खाना खा लिया होता है और भूख लगती है। तो रूटीन को चेंज करना ना, थोड़ा सा चेंज करना होता है ना। देखिए, सोने से 1-1.5 घंटा पहले एक तो फ़ोन साइड पर रखना होता है, उसके बाद थोड़ी सी वॉक करनी होती है सोने से पहले। कोई बात नहीं, इग्नोर कर दें, अपनी सेल्फ केयर सबसे आगे, दूसरे फिर बाद में आएंगे ना। अपनी फिज़िकल सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो अब जब एक्टिव एडिक्शन में हमारे बच्चे होते हैं तो हम पूरी पूरी रात उनके साथ जाग रहे होते हैं, टेंशन ले रहे होते हैं उनकी, खाना खाना छोड़ देते हैं आउट ऑफ स्ट्रेस कि हमारा बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है, किधर है, क्यों ऐसे हो गए, इस तरह क्यों कर रहे हैं, इस टाइप की फीलिंग्स होती है। जाहिर सी बात है फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि हमारा बच्चा है, हम उनसे प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा तो हमें तकलीफ़ होती है ना उनको देख के। तो इस वजह से फिर हम अपनी केयर करना छोड़ देते हैं। जहाँ पर कभी हम वॉक करते थे वो भी छोड़ दी हमने, और जहाँ पर कम अभी किसी से मिलते थे, बातचीत करते थे, वो भी कहीं छोड़ दिया हमने। तो इसलिए अपनी फिज़िकल सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फिज़िकली फ़िट होंगे तभी तो आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकेंगे ना। सही, फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे तो आप कैसे बच्चों का ख्याल रखेंगे? आपकी सेहतें गिरती जाएंगी। खुद हम अगर डायबिटिक हो गए हैं या हमें कोई ब्लड प्रेशर का इशू हो गया है, हाइपरटेंशन हो गई है, हो जाती है स्ट्रेस की वजह से, ऐसे हो जाता है। शुगर भी? हाँ, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ भी आ सकती है थोड़े अर्से बाद। तो इस तरह की जब अगर आ गई हैं प्रॉब्लम्स तो फिर हम कैसे हेल्प करेंगे इसकी वजह से भी। और पता है क्या, स्ट्रेस में क्या, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं क्या दिल करता है करने को? खाना खाने को दिल करता है। वी वांट कंफर्ट फूड, कोई मीठी चीज़ हो, कोई इस टाइप की चीज़ हो, आइसक्रीम हो, जो हमें ज़रा रिलैक्स करे, थोड़ा सा कम्फर्ट दे। अगर कोई ऑलरेडी डायबिटिक है और वो स्ट्रेस्ड है और वो ये चीज़ें खा रहे हैं, तो इट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। अच्छी चीज़ तो नहीं निकली ना इससे, इससे ख़राबियाँ ही निकली हैं। तो इसलिए अपनी फ़िज़िकल सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अच्छा, चीज़ों को अवॉइड करके हम अपनी मेंटल सेल्फ़ केयर कर सकते हैं?
एक मिनट, योगा भी कैसे कर सकते हैं? अगर टेंशन को हम, टेंशन आ गई है तो अवॉइड कर रहे हैं या प्रोएक्टिवली अवॉइड कर रहे हैं उसको? प्रोएक्टिवली अवॉइड कर रहे हैं तब काम करेगी। प्रोएक्टिवली का मतलब है कि टेंशन आने से पहले ही उसको रिजॉल्व करना कि टेंशन आए ना। जब टेंशन आ गई है हम तब उसको इग्नोर करेंगे या अवॉइड करेंगे तो वो वहीं पे रहेगी, वो फिर बढ़ती चली जाएगी क्योंकि हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे। उसको एड्रेस करके ना, कन्फ्रंट करके, टेंशन जो भी कोई दे रहा है टेंशन उससे बात करके, जो चीज हमें तंग कर रही है, ट्रिगर कर रही है, उसको रिजॉल्व करके हायर पावर का, ये सारी चीजें आपने तो करनी है। मेंटल हेल्थ केयर तो अपनी करनी है, बट टफ लव प्रिंसिपल्स जो है वो वैसे फैमिली के लिए होता है ज्यादा, कि फैमिली को भी अपनी मेंटल सेल्फ केयर करनी है क्योंकि हम भी डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत तकलीफें होती हैं हमें, दुख होते हैं इतने, अपने दुख को एड्रेस करना है। जब हम अपने इमोशंस को अंदर ही कहीं बिठा देंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो उभर के बाहर आएंगे एज फॉर्म ऑफ ग्रीफ, एज फॉर्म ऑफ रिएक्टिविटी। कि अगर हमारे, हमने अपने इमोशंस नहीं एड्रेस किए और कुछ अर्से बाद हमारा पेशेंट हमारे साथ कोई सही तरीके से बात नहीं कर रहा या ये कह रहा है कि मैंने नशा करने जाके, तो फिर एकदम से हमें गुस्सा चढ़ेगा। उस टाइम पे जो हमारी सारी नॉलेज है जो हमने यहाँ से ली हुई है कि ये बीमारी है, बीमारी की वजह से क्रेविंग आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो चली जाती है। तो उस टाइम पे फिर हम रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्योंकि हम पहले ही इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, पहले ही इतने मेंटली अपसेट होते हैं कि भाई ये एक और नई चीज़ हमसे हैंडल नहीं हो पाती। अक्सर ऐसे होता है कि पेशेंट का रॉक बॉटम हिट करने से पहले फैमिली रॉक बॉटम हिट कर चुकी होती है, फैमिली की बस हो चुकी होती है, समझा समझा के बात कर करके थक गए हैं, अब क्या करें, और अब समझ नहीं आ रही, चारा नहीं और कोई, तो ये कहने से कोई हल निकलता है पेशेंट को ये कहने से कि बस कर दो, अल्लाह का वास्ता है, अब और नहीं करना, या अपनी कसम है कि मेरी, यानी कि मेरी वजह से छोड़ दो, अपने बच्चों का सोच लो, अपनी फैमिली का सोच लो, इससे कोई नतीजा निकलता है? नतीजा क्यों नहीं निकलता? एहसास ख़त्म हुआ होता है ना, नशा इस्तेमाल कर करके हम बेहिस हुए होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि फैमिली किस तकलीफ से गुजरी है या फैमिली क्यों ऐसे कह रही है, या हम ये नहीं समझ पाते कि फैमिली की वाकई में बस होगी, अब हम और टेस्ट ना करें फैमिली को। बिल्कुल, तो रिलेशनशिप ख़राब कर दिया ना नशे के पीछे, अब अभी तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, सही गलत की पहचान ख़त्म हो जाती है। जब आपकी साइकोलॉजिकल डोमेन में खराबियां आना शुरू होती हैं, बायोसाइकोसोशल स्पिरिचुअल डिजीज़ है ना, बायोसाइकोसोशल स्पिरिचुअल डिजीज़ है, एडिक्शन डिजीज़ कॉन्सेप्ट है ये, एडिक्शन ठीक। तो जब साइकोलॉजिकल डोमेन में खराबियां आना शुरू होती हैं तो हमारी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, सही, हम नहीं सोच पा रहे होते ठीक से कि क्या करना है क्या नहीं करना, सही गलत की पहचान ख़त्म हो जाती है। मैं बात कर रही थी कि फिर अपनी मेंटल सेल्फ केयर करनी होती है इस टाइम पे। अपनी मेंटल सेल्फ केयर हम कैसे कर सकते हैं? कुछ हमने बात की, योगा करके। अच्छा ठीक है, हर कोई योगा नहीं कर पाता, मुश्किल होता है सबके लिए करना, मेडिटेट और वॉक कंटिन्यू करके। सबसे इजीएस्ट चीज़ है अपनी मेंटल सेल्फ केयर का, एक तो यहाँ तो वॉक करना कहेंगे जो हर कोई कर सकता है, क्योंकि वॉक से भी वो सेम केमिकल्स रिलीज होते हैं ना। अगर प्रॉब्लम है, बिजी तो रहे, लेकिन अगर प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट है और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम उस प्रॉब्लम को बॉक्स करके कहीं साइड पे रख दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग हमारे साथ सारा टाइम होता है, थॉट्स आती रहती हैं हमारी, तो जब तक हम कोर इशू को एड्रेस नहीं करेंगे कि किस वजह से ये मेंटल सेल्फ कि यानी कि मेंटल हेल्थ हमारी अफेक्ट हो रही है, जिस वजह से हमें एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, जब तक उसको एड्रेस ही नहीं करेंगे तो कैसे रिजॉल्व करेंगे? एलिफेंट इन द रूम वाली बात होगी कि एक मसला है, खड़ा है सामने, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। जब सारा ध्यान काम की तरफ होगा ना तो बाकी हमारी सारी डोमेन्स निगलेक्ट हो रही होंगी, हमारा टनल विजन होगा, हम फोकस्ड एक चीज़ पे होंगे। जब हम अपने आप को कम्प्लीटली काम में बिजी कर लेंगे ना तो वो हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अभी हमारी इतनी सकत नहीं है काम करने की, कुछ अरसे बाद तो हम कहते हैं कि आप काम कर लो। तो मैम यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब देखिए, काम करेंगे तो ये हो जाएगा और वो करेंगे तो वो चीज़ मिल जाएगी,
बैलेंस रखना है ना, हमारा माइंड भी एक प्रिकेरियस बैलेंस पे चल रहा होता है. थोड़ा सा टिप होंगे ना स्केल्स. अभी एक्टिव एडिक्शन में तो हमारा स्केल फुल टिप हुआ होता है ना नेगेटिव साइड पे. सही, हमारा काम है कि हमने वापस उसको बैलेंस पे लेके आना है. एक सीसॉ की तरह अगर हम देखें तो उसको बैलेंस पे लेके आना है. अब बैलेंस पे लेके आने के लिए अगर हम जाके सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, बाकी सारी हमारी डोमेन्स निग्लेक्ट हो रही हैं, तो डू यू थिंक वो बैलेंस रहेगा? फिर हम उसी तरफ चले जाएंगे ना, हम स्ट्रेस में चले जाएंगे. क्योंकि हम अगर काम करके घर आते हैं, हमने फैमिली को टाइम नहीं दिया, फैमिली हमें आगे से कह सकती है पूरा दिन बाहर थे, टाइम नहीं दिया, तो एक डोमेन में खराबी आई. सही, तो एक बैलेंस रखना होता है ना. जैसे हम एक बैलेंस डाइट रखते हैं, उसी तरह अपने लाइफस्टाइल को भी बैलेंस करना होता है. साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर हम बिजी रखेंगे ना अपने आप को, तो मेंटल सेल्फ केयर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. असल में पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा होंगे. मेंटल हेल्थ के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर करें. मेंटल हेल्थ इज़ नॉट जस्ट एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो सर्फेस लेवल पर चीज़ें नजर आ रही हैं. मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वट एवर द कॉन्फ्लिक्ट्स यू हैव इन योर माइंड, इन द बैक ऑफ योर माइंड. बचपन से जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं, बचपन से जो प्रॉब्लम्स हैं, जाहिद साहब, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट ट्रॉमास अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उभर के बाहर आते हैं. और जब वो बाहर आते हैं तो फिर तबाहियाँ होती हैं. टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये तो एक यानी कि हेल्दी लिविंग है ना. मेंटल सेल्फ केयर में मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आपके कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, इमोशंस को रेगुलेट करें, बातचीत करें किसी से, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें. क्योंकि पहले भी हमने बात की कि सुपर हीरो पेरेंट्स नहीं बनना. सुपर हीरो कोई भी नहीं बन सकता, नोबडी इज परफेक्ट. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल सेल्फ केयर ऑफ पीपल राइट हियर राइट नाउ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पूरी दुनिया की मेंटल सेल्फ केयर. मैं बात कर रही हूँ जो यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, जो यहाँ पे पेशेंट्स बैठे हैं उनकी. क्योंकि मेंटल सेल्फ केयर में अब जब हम अपनी छोड़ देते हैं मेंटल सेल्फ केयर, जिस वजह से भी, अब वापस उसको बहाल भी तो करना है ना, अपने आप को ठीक भी करना है. तो वॉक करके, टाइम पे सो के, किसी से बात करके, अपने इमोशंस को रेगुलेट करके, ज़्यादा गुस्सा ना रहें, इस तरह की अपनी फीलिंग्स को वॉइस करें, अपने कंसर्न्स को बताएं, शेयर करके ही हम कुछ कर सकते हैं ना. मेडिटेशन करें, योगा करें, जो कोई कर सकता है. ठीक, फिर है सोशल सेल्फ केयर. हमारे साहब सोशल सेल्फ केयर क्या है? ठीक, आपके केस में इंटरेक्ट करें. ऐसा होता है ना कि जब हमारा बच्चा एक्टिव एडिक्शन में होता है तो हम लोगों से मिलना भी छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत, इस वजह से, आउट ऑफ शेम के, पता नहीं वो हमसे आके पूछेंगे या इसका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा, ख़राब होगा. तो फिर हमारी यानी कि हम शेम में चले जाएंगे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, एम्बैरेसमेंट होगी. तो इसलिए फिर हम मिलना ही छोड़ देते हैं, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं. दिल ही नहीं करता बात करने का लोगों से, क्योंकि जेन में सारा टाइम हमारा पेशेंट घूम रहा होता है. तो फिर दिल ही नहीं करता बात करने का किसी से, या किसी से मिलने का. जो हमारे प्लान्स होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं. किसी से मिलना होता है, फैमिली घर से बाहर नहीं जाना चाहती, गैदरिंग्स पे नहीं जाना चाहती, खुशी के मौक़ों को एंजॉय नहीं कर सकती वो, क्योंकि पीछे जेन में वो ही घूम रहा होता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा आया नहीं तो पता नहीं क्या कर रहा होगा वो. तो जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, खुशी के मौके होते हैं, शादियां होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, कोई भी हम इंजॉय नहीं कर पाते, दिल ही नहीं कर रहा होता इंजॉय करने का. तो अब सोशल सेल्फ केयर फैमिली, एज ए फैमिली, एज एन इंडिविजुअल भी, एज ए फैमिली भी होता है ना कि अगर किसी फंक्शन पर जाना था, एक्टिव एडिक्शन में कोई पेशेंट है, उसने कहा है कि मैंने नहीं जाना और वो निकल गया बाहर, हम अगर चले भी जाएं फंक्शन पे, अव्वल तो दिल ही नहीं करेगा जाने का, लेकिन अगर चले भी जाएं तो जेन में फिक्र उसकी रहेगी, खुश नहीं होंगे हम, खुशी के मौके पे खुश नहीं होंगे. तो इसलिए अपनी सोशल सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है. जो प्लान्स कहीं हमने होल्ड पे रखे हुए थे कि हमारे पेशेंट की वजह से, उनको वापस बहाल करें, लोगों से बात करना स्टार्ट करें, बातचीत करें फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, ताकि हमारी फिर वापस सोशल इंटरेक्शन आए. आइसोलेट नहीं होना हमने, फिर से हमने इंटरेक्शन की तरफ आना. लास्ट है स्पिरिचुअल सेल्फ केयर. स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, अपने आप को टाइम दें. इसमें भी आ सकते हैं मेडिटेशन, इसमें भी आ सकते हैं स्पिरिचुअल सेल्फ केयर में. अक्सर फैमिली स्पिरिचुअल सेल्फ केयर कर रही होती है, नमाज पढ़ के,
विद करके, अल्लाह को याद करके, मुख्तलिफ सारों के डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके, स्पिरिचुअली हील कर रहे होते हैं अपने आप को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि अपने आप को बताना कि इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरा कसूर नहीं है कि ये एक्टिव एडिक्ट बने, मेरी परवरिश में कमी नहीं थी। समझने की ज़रूरत है कि ये डिज़ीज़ था, स्टार्ट हो गया, प्राइमरी डिज़ीज़ है, स्टार्ट हो जाता है कहीं से भी अगर उन्होंने यूज़ किया है, निज़ाम ख़राब होता है, मेटाबॉलिक एरर आता है तो डिज़ीज़ स्टार्ट होता है। सही, फैमिलीज़ अपने आप को बहुत कसूरवार ठहराती हैं कि मे बी हमारी कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से उसने ऐसे शुरू कर दिया, या हमने उसको इतना प्यार नहीं दिया, निगलेक्ट किया उसको, दूसरों को ज़्यादा प्यार दिए इस वजह से। तो इसी हम ग्रीफ में, सेल्फ ब्लेमिंग में, सेल्फ डाउट में से गुजर रहे होते हैं। अपने आप को इस चीज़ में से निकालें, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस चीज़ में से निकलने की, क्योंकि यहाँ पर अब आप समझ रहे हैं कि इस बीमारी की बुनियाद क्या है। इस बीमारी की बुनियाद ये नहीं है कि हमने प्यार कम दिए तो उसने नशा किया, प्यार ज़्यादा दिया हो भी सकता है, प्यार ज़्यादा भी दिया हो, लेकिन सेल्फ ब्लेमिंग से निकल आए कि ये मेरा फॉल्ट था। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला, सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं, खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं, सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है, मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।